नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों एक एलजी कंपनी का टीवी आया हुआ है जिसमें कि प्रॉब्लम क्या आप देख सकते हैं, आधा स्क्रीन ब्लैक है और आधा में जो है रिट्रेस लाइन के साथ लाइट आ रहा है और इसमें साउंड ओके है, मतलब कि रिसीवर से इसमें सिग्नल देने पर साउंड प्रॉपर आ रहा है और पिक्चर जो है इसमें हल्का हल्का बन रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह का प्रॉब्लम है, इसी तरह में हल्का हल्का पिक्चर आ रहा है। तो अभी जो है आपको स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये मोबाइल कैमरा में इस तरह होता है पर ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये आपको जो है कैमरा में इस तरह दिख रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह का प्रॉब्लम है। तो आज जो है इस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी हम कोई इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिले सबसे पहले। तो दोस्तों अभी इसका किट को मैं बाहर कर लेता हूँ इसका वोल्टेज को चेक करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पावर सप्लाई को चेक करने वाले हैं, इसका पावर सप्लाई से जो वोल्टेज आउट होता है वो वोल्टेज हमारा प्रॉपर आउट हो रहा है कि नहीं। तो अभी जो है मीटर को मैं 20 वोल्ट डीसी रेंज में सेट किया हूँ और मीटर का एक प्रोड को ग्राउंड कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है और एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आउट हुआ है यहाँ पे 9 वोल्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि यहाँ पे 9 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये प्रिंट यहाँ गया हुआ है और यहाँ से एक क्वाइल यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, तो ये डायोड यहाँ से सप्लाई यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है, तो देखिए मीटर में 10 वोल्ट मतलब 10.5 वोल्ट बता रहा है, तो ये वोल्टेज हमारा ओके है। तो दोस्तों अब हमें कौन सा वोल्टेज चेक करना है, अब हमें 110 वोल्ट चेक करना है जो कि ईएसटी पे जाता है। तो 110 वोल्ट जो होता है वो प्लस बी लिखा हुआ होता है, चाहे तो बी प्लस लिखा हुआ होता है पावर सप्लाई के आउटपुट पिन पे, सॉरी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पिन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी प्लस लिखा हुआ है, तो ये सप्लाई को हमें ट्रेस करना है डायरेक्ट। यहाँ पे हमारा वोल्टेज नहीं शो होगा मीटर को, सॉरी 200 वोल्ट डीसी रेंज में रख लेते हैं, 110 वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ पे मीटर को मैं सेट किया हूँ और अब जो है ये ट्रैक कहाँ गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक जम्फर या कॉइल जो भी होगा अंदर से लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ से एक डायोड लग के यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 110 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं ये सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो अब ये सप्लाई जो है ईएसटी पर जाता है कि नहीं ये देखना है, तो ये प्रिंट को जो ट्रेस करना है कि कहाँ से ये गया हुआ है, तो यहाँ से जो है एक क्वाइल द्वारा यहाँ पे ये सप्लाई आया हुआ है 110 वोल्ट, अंदर एक क्वाइल लगा हुआ है। तो अब जो है इस सप्लाई को ट्रेस करना है ईएसटी के तरफ कि ईएसटी पर हमारा सप्लाई जा रहा है कि नहीं, तो ये प्रिंट देखिए यहाँ आया हुआ है और यहाँ से एक लकीर आपको दिख रहा होगा, तो ये लकीर जो है दर्शाता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है जम्फर होगा, यानी कि ये सप्लाई इधर आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अंदर रेजिस्टेंस होगा या जम्फर होगा जो भी, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई आ रहा है और ये प्रिंट इधर आया हुआ है देखिए यहाँ पे, और यहाँ से एक जम्फर या कॉइल या रेजिस्टेंस जो भी अंदर लगा हुआ होगा, तो यहाँ तक जो है सप्लाई हमारा आ रहा है। और अब जो यहाँ से देखिए यहाँ पे आया हुआ है ये जम्फर द्वारा यहाँ पे, और ये प्रिंट जो है देखेंगे तो यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा जम्फर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई देखते हैं 110 वोल्ट आ रहा है। देखिए ईएसटी के दूसरा नंबर पिन पे 110 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा सप्लाई है प्लस बी वो ईएसटी तक प्रॉपर मिल रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि ईएसटी से जो भी सप्लाई आउट होता है वो सप्लाई आउट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वर्टिकल आईसी के लिए यहाँ पे पावर सप्लाई से सप्लाई नहीं आया हुआ है, इसमें जो है ईएसटी से सप्लाई आया हुआ है। किसी किसी किट में जो होता है वो ये हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई जो है ये वर्टिकल आईसी पे आता है, पर इस किट में जो है ईएसटी से जो है वर्टिकल आईसी के लिए सप्लाई आउट हुआ है। तो देखिए यहाँ जो है ईएसटी का 1 2 3 4 5
चार और पांच नंबर से जो है वर्टिकल आईसी का सप्लाई निकला हुआ है। तो बारी बारी से दोनों सप्लाई को चेक कर लेते हैं, एक जो है माइनस वोल्ट आउट होता है और एक जो है प्लस वोल्ट आउट होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम इस वाले पिन को ट्रेस करते हैं यानी कि इसका सप्लाई को। तो यहाँ पे आया हुआ है और ये जम्फर द्वारा यहाँ आया हुआ है और यहाँ से एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सप्लाई हमारा माइनस सप्लाई आउट होगा क्योंकि डायोड देख सकते हैं उल्टा लगा हुआ है, डायोड का इधर प्लस है और इधर जो है माइनस है। तो यहाँ पे माइनस सप्लाई आउट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस 14 वोल्ट आउट हो रहा है। तो अब जो है ये सप्लाई को आगे जो है आईसी तक देख लेते हैं, वर्टिकल आईसी तक। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल आईसी पे हमारा माइनस सप्लाई जो है पहुँच रहा है और अब जो प्लस सप्लाई को भी ट्रेस कर लेते हैं। तो ये सप्लाई हमारा कौन सा हो गया, ये वाला ना, ये वाला सप्लाई कौन सा है, सॉरी दोस्तों, वर्टिकल आईसी का जो सप्लाई मैंने बताया वो ये वाला है और ये वाला। तो ये तो मैंने सप्लाई अभी चेक करके दिखाया और ये सप्लाई जो है प्लस सप्लाई है। तो ये सप्लाई को हमें ट्रेस करना है। तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ आया हुआ है और यहाँ जम्फर लग के यहाँ आया हुआ है और यहाँ से एक डायोड लगा हुआ है जो कि प्लस का जो सिम्बॉल है वो इधर है। तो इधर जो है हमारा सप्लाई जो है ओके है, देखिए 14 वोल्ट। तो ये सप्लाई को भी हम ट्रेस करके देख लेते हैं कि ये आईसी तक जो है पहुँच रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी आईसी पर भी जो है 14 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारा वर्टिकल आईसी का भी सप्लाई ओके है। तो हमें एक सप्लाई देखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लाई होता है, वो है 180 वोल्ट। तो 180 वोल्ट को चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है। तो ये सप्लाई को हमें ट्रेस करना होगा। तो 180 वोल्ट चेक करने के लिए मीटर को 200 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करेंगे और यहाँ पे देखिए ये सप्लाई हमारा 180 वोल्ट को, तो इसको हम ट्रेस करेंगे और यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से एक डायोड लग के यहाँ आया हुआ है। तो ये डायोड पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 18 वोल्ट आउट हो रहा है, देखिए यहाँ पे 17-18 वोल्ट हो रहा है। तो ये सप्लाई जो हमारा है वो कहीं से ड्रॉप कर रहा है। तो हो सकता है कि ये डायोड भी जो है कुछ शॉर्ट हो सकता है या हो सकता है कि इस सप्लाई पे कैपेसिटर लगा हुआ होगा, वो कैपेसिटर जो है फिल्टर नहीं कर रहा होगा या शॉर्ट होगा और ये सप्लाई जो चला जाता है कहाँ पे, ये बेस पे। तो बेस पर भी फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो हो सकता है कि वो कैपेसिटर भी जो है शॉर्ट होगा या तो फिर फिल्टर नहीं कर रहा होगा, जिसके वजह से ये सप्लाई जो है हमारा ड्रॉप कर रहा है। तो भी हम बारी बारी से दोनों जगह का कैपेसिटर को चेक करते हैं और कैपेसिटर को चेक करने के बाद में देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो दोस्तों यहाँ पे 180 वोल्ट का जो सप्लाई है इसको फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ था जिसको मैं खोल लिया हूँ और खोलने के बाद में इसका देखे कि एक लेग जो है सड़ जाने के कारण जो है टूटा हुआ था, जैसा कि देख सकते हैं कंडेंसर का एक लेग जो है टूटा हुआ है और एक लेग जो है ठीक है। तो ये कंडेंसर 4.7 mF 250 वोल्ट का है। तो अभी इसके जगह पे मैं चेक करने के लिए 10 mF 250 वोल्ट का कंडेंसर मैं लगाया हूँ, जैसा कि देख सकते हैं ये 10 mF 250 वोल्ट है। तो अभी मैं इसमें लाइन दे करके चेक करता हूँ कि अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ है कि नहीं, कि कहीं और से प्रॉब्लम है। तो अभी मैं इसमें लाइन दे दिया हूँ और लाइन देने के बाद में टीवी जो हमारा ऑन हो रहा है। तो देखिए लाइन जो आ चुका है टीवी में और टीवी जो है चालू हो चुका है। अभी इसमें जो है सेटअप बॉक्स से कनेक्शन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए साउंड आ चुका है और पिक्चर देखते हैं। तो देखिए पिक्चर जो है बिल्कुल जो है क्लीन है और किट यही है, देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई दूसरा किट को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी
तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे भृगुनाथ व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।